हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं हूँ राजन और आप देख रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने जैसे थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम इलेक्ट्रोड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होती है वो क्या होती है और किस तरह से हम उसका यूज़ करते हैं, पूरा जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का जो स्पेसिफिकेशंस है वो सभी कुछ डिस्कस करेंगे आज हम अपनी इस वीडियो में। तो आज मैं वेल्डिंग की जो इलेक्ट्रोड है उसको पूरा डिफाइन करने वाला हूँ। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे सभी क्रैक करेंगे आज हम अपनी इस वीडियो में। तो जो तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक वीडियो में बने रहना। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं आज को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना, कमेंट करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वेल्डिंग इलेक्ट्रोड क्या होती है। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं अभी मेरे हाथ में ये इलेक्ट्रोड है जिसको हम आर्क वेल्डिंग में यूज़ करते हैं। आर्क वेल्डिंग जब आप करेंगे तो आर्क वेल्डिंग जो आप इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं उसको हम ये वेल्डिंग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इस वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें हमारे कई ये जो नंबर्स वगैरह दिए होते हैं इनका सभी ये नंबर जो है एक स्पेसिफिकेशंस होते हैं कि ये क्या चीज़ को दें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है इसमें इसके पार्ट्स के नाम को दिखाते हैं आपको मैं। पार्ट्स के नाम में इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये इसको हम कोर वायर बोलते हैं, जो कि जो हमारा वेल्डिंग का इलेक्ट्रोड होल्डर होता है उसमें हम इसको होल्डर में इसको लगाते हैं। तो ये कोर वायर हमारा जो है ये कोर वायर होगी। उसके बाद ऊपर ये हमारे जो देखेंगे यहाँ पर ये इसकी फ्लक्स की कोडिंग होती है, हमारे यहाँ पर ये फ्लक्स लगे हुए इसकी फ्लक्स की कोडिंग है। और लास्ट में देखेंगे आप यहाँ पर ये टिप, लास्ट में देखेंगे आप यहाँ पर ये इसकी टिप जो कि हमारी लास्ट में जो वेल्डिंग जहाँ पर हम वेल्डिंग सरफेस टच करते हैं वहाँ पर ये टच होता है, ये टिप इसको बोलते हैं लास्ट में हम टिप। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूँगा इसके जो नंबर्स होता है, ये नंबर जो है हमारा सब कुछ सारा कुछ इसी नंबर्स पे ही दिखाया जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर जो नंबर है इलेक्ट्रोड E6013 के बारे में बात करेंगे कि ई इलेक्ट्रोड 6013 जो होती है हमारी वो क्या होती है, कैसे काम करती है, क्या क्या इसका मतलब है, इसके कोड्स का क्या मतलब है, इन सभी पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ये जो हमारा ई लिखा है ना, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रोड और ये किस मेथड से बनी हुई है। ये हमारा एक्सट्रूजन मेथड होता है, इसमें जिस एक्सट्रूजन मेथड से ये इलेक्ट्रोड बनाई जाती है इस पर ये फ्लक्स जो होता है हमारा, ये फ्लक्स जो इसकी आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लेयर बनी हुई है इसमें, ये जो लेयर इसको फ्लक्स बोलते हैं। इस फ्लक्स को हम किस तरह से इस पे लगाते हैं, इस वायर में किस तरह से हम पेस्ट करते हैं उस मेथड्स को बोला जाता है। ये हमारा ई दर्शाती है इसमें इलेक्ट्रोड एंड एक्सट्रूजन मेथड। एक्सट्रूजन मेथड के बाद इसमें जो हम मटेरियल यूज करते हैं इसको फ्लक्स को बनाने के लिए E6013 में, वो मटेरियल होता है हमारा रुटाइल और पोटेशियम। रुटाइल और पोटेशियम हम E6013 में यूज़ करते हैं। अलग अलग इलेक्ट्रोड्स में हम अलग अलग तरह का मेटल्स यूज करते हैं लेकिन E6013 जो इलेक्ट्रोड होती है उसमें हम रुटाइल और पोटेशियम का यूज करते हैं। इस तरह से ये हमारी इलेक्ट्रोड पे ये फ्लक्स बनाया जाता है E6013 में, फ्लक्स को फ्लक्स की कोडिंग की जाती है। उसके बाद बात करते हैं इसके दोस्तों साइज़ के बारे में। अगर हम इसकी बात करें इसकी लेंथ के बारे में तो मैं आपको इसकी लेंथ दिखाना चाहूँगा। इसकी जो लेंथ होती है वो आप देखेंगे यहाँ से, मैं दिखाता हूँ अभी आपको, लास्ट से यहाँ से लेके पॉइंट से लेके इसके जो लास्ट में टिप है और इसके यहाँ से ये हमारा यहाँ तक रहता है, इसकी जो यहाँ तक लेंथ होती है 250 से लेके 252 हमें 450 mm तक की लेंथ में आपको ये इलेक्ट्रोड्स मिल सकती हैं आर्क वेल्डिंग के लिए। उसके बाद बात करते हैं इसके जो डाया है हमारा, इसके डाया जो हमारा साइज़ होता है डाया किस अकॉर्डिंग ये किस किस साइज़ में मिलती है। डाया के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये हमें अलग अलग साइज़ में मिलती हैं, 1.5 1.5 mm, 2.5 mm, 3.15 mm, 4.0 mm और 5.0 mm की डाया। ये डाया आप देख सकते हैं यहाँ से, ये जो डाया है इसकी मोटाई इसमें हमें ये मिलती है। तो उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम इसकी जो हमारा ये ई के बाद अगला नंबर है हमारा ये 60। तो 60 जो 60 है इसका मतलब क्या है दोस्तों, 60 जो है हमें ये हम अगर इलेक्ट्रोड को डिफाइन करें तो ये जैसे आपने देखा 60, फिर ये 1 और ये फिर 3, इन तीनों अलग अलग तीनों नंबर से हम अलग अलग डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो 60 है, 60 हमारा डिफाइन करता है कि इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, आप अगर किसी भी कंपोनेंट पे वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करने की टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगी, उसकी मजबूती क्या होगी, कितना लोड वो कैरी कर सकती है हमारी वेल्डिंग, तो उसको सभी को दिखाता है ये E60 से। मैं 60 से तो हमारा 60 में जो इसका मतलब है वो 60,000 पाउंड, 60,000 पाउंड स्क्वायर पर इंच, यानी 1 इंच में जो हमने वेल्डिंग की है, 1 इंच में जो वेल्डिंग की है 60 से, वो 60,000 पाउंड स्क्वायर पर इंच तक का लोड ले सकती है। उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो इतनी होगी। तो इसको हम 60,000 PSI बोलते हैं, पाउंड स्क्वायर पर इंच। तो ये हमारा ये 60 को डिफाइन करता है। इसके बाद बात करते हैं इसके में अगला नंबर आप देखेंगे यहाँ पर A1।
आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वन। तो इस अगला जो नंबर हमारा वन, उसका मतलब क्या होता है? वन का मतलब दोस्तों होता है ये ऑल जो हमारा वन है, ये किसी भी जो पोजीशंस होगी उसमें ये वेल्डिंग कर सकता है। ऑल पोजीशंस में, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इन सभी पोजीशंस में, आप किसी भी पोजीशन में आप इसको वेल्डिंग कर सकते हो। तो ये हमारा इससे वन डिफाइन करता है। उसके बाद बात करते हैं अगला नंबर हमारा इसमें थ्री। तो दोस्तों थ्री जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। इसमें हमें पेनिट्रेशन का पता चलता है और इसमें करंट मेन चीज़ है। इसके इसका जो सी लास्ट का नंबर होता है, ये मेन चीज़ आपको करंट दिखाता है कि आप इसको किस करंट पे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो करंट होता है, आप इसको एसी में यूज कर सकते हो, डीसीईपी यूज कर सकते हो। देखो डीसीईपी का मतलब है डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और जो हमारा दूसरा एक और उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं डीसीईएन। दोस्तों डीसीईएन का मतलब है डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव, यानी हम इसको निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही उसमें इसको यूज कर सकते हैं। ये हमारा इसका तीन जो लास्ट का 30 नंबर है, इसके 3 नंबर हमें यही मेंशन करता है कि आपका जो जो करंट है वो कितना, किस करंट में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये सारा इसमें। और अगर हम बात करें तो इसका जो एम्पियर है, हमें इस ये 62 जो हमारे डाया है ना हमारा, इसका इस डाया के अकॉर्डिंग हम इसको यूज करते हैं। डाई के अकॉर्डिंग बात करें तो ये 3.15 mm का है इसमें। तो हम इसमें 62 130 एम्पियर तक का करंट यूज कर सकते हैं होता है। उसके बाद जो हमें इसका पेनिट्रेशन आता है, वो लाइट पेनिट्रेशन आता है इसमें। ये सभी चीज़ें हमारा इसमें यूज होती हैं, इलेक्ट्रिक जो हमारा ये वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है। तो दोस्तों ये तो है सभी हमारा इसकी जो नंबर्स होता है, इस नंबर्स को किस तरह से हम डिफाइन करते हैं कि क्या क्या इसके नंबर्स की क्या क्या वैल्यूज होती हैं। ये सभी चीज़ें E6013 जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसको हम आर्क वेल्डिंग में इस तरह से यूज करते हैं और इसका ये मतलब होता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इसकी स्टोरेज, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका स्टोरेज करना। अगर आप इसको सही से स्टोर नहीं करेंगे तो इसमें नमी आ जाएगी, जिसके कारण आपकी इलेक्ट्रोड है वो ख़राब हो सकती है। तो इसके दोस्तों इलेक्ट्रोड को हमें स्टोर करने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं हमारे, कुछ क्राइटेरिया हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें इनको स्टोर करना चाहिए। तो सबसे पहला तो हमें दोस्तों इसको सबसे पहले किसी सूखी जगह पे हमें स्टोर करना चाहिए, कहीं पर भी गीला वगैरह नहीं होना चाहिए। तो उसको हम बिल्कुल सूखी जगह पे हमें इसको स्टोर करना चाहिए। उसके बाद अगला जो है हमारा इसका, अगली हम बात करें तो इसको हमें नीचे कभी फ्लोर, जैसे ज़मीन की जो हमारी नीचे फ्लोर होती है उस पर नहीं रखना चाहिए, हमें इसको थोड़ा हाइट पर रखना चाहिए, जिससे कि नीचे की नमी इसमें इलेक्ट्रोड में ना आए। दोस्तों अगर इलेक्ट्रोड में नमी आएगी तो हमारी जो वेल्डिंग है, वेल्डिंग में बहुत सारे डिफेक्ट्स आ सकते हैं। तो इसलिए हम इसको वेल्डिंग के इलेक्ट्रोड को नमी नहीं आने के लिए हमें इसको थोड़ा ज़मीन से ऊपर रखना चाहिए। और लास्ट है दूसरा, जैसा कि हमें बताया आपको इसको, कि कभी भी हमें ज़्यादा गर्म यानी ज़्यादा गर्म जगह पर नहीं रखनी, और जहाँ से एयर का, वायु का हमारा जो एयर जो है उसका निकास वगैरह वहाँ पर होना चाहिए। तो इस तरह से हमें इस जगहों पर हमें इनको स्टोर करना चाहिए। तो दोस्तों ये तो था आज हमारा इस वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के बारे में, E6013 के बारे में। दोस्तों इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ क्वेरी सही हो, कुछ कमेंट्स सही हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपका कोई सवाल रहा हो, कोई क्वेरी हो, इसके वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ लाता रहता हूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।